इसके क्रेजी के बारे में थोड़ा सा भाई बताना। क्रेजी भैया ये भी एक्सोटिक है। अच्छा लड्डू के बच्चे, लड्डू के बच्चे का एक बार मैं ना इन्हें गोद में उठाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत ही अच्छा। तो आज मैं आया हूँ फरीदाबाद में, क्या दिखाने वाला हूँ ये। ओ भाई देख रहे हो, इसका नाम क्या भाई साहब जी? तो भाई से पहले बता देता हूँ, तो भाई का नाम है राहुल वशिष्ठ और गाइस मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। बाकी किसी को अगर वैसे पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए हो तो हमारा नंबर आप डाल देना। हाँ बाकी इंस्टा पे मेरे को कर लेंगे मैसेजेस। हाँ इंस्टा पे भी है, हम यूट्यूब पे भी चैनल है हमारा। अच्छा तो उसमें डाल लेना, उसमें आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। हम वैसे लोकेशन जो है रिवील नहीं करना चाहते अपनी, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं बताना चाहता। तो ये आइए हमारे पास, ये देखो। तो भाई इसका नाम क्या होगा? मिनी। तो गाइस ये है मिनी, ये एक्जॉटिक। ओ भाई देखो, हेलो सेकंड देखो सेकंड देखो भाई कितनी समझदार गाइस, देख रहे हो कितने, मैं तो सेकंड बोल रहा हूँ, सेकंड कितनी देखो भाई के साथ खेल रही है। अच्छा ही मतलब शॉर्ट में आपने इतना, ये प्योर एक्जॉटिक है। अच्छा प्योर एक्जॉटिक। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब एक्जॉटिक और एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? तो इन दोनों में मतलब डिफरेंट कैसे पता चलता है कि एक्जॉटिक है? दिखाता हूँ, लड्डू को लेके आना। तो गाइस वहाँ से अभी देखो लड्डू आने वाला है, तो मैं भी बड़ा मन तो इंतजार कर रहा हूँ कि लड्डू कैसा होगा। ये देखो गाइस वहाँ से अब आएगा लड्डू। तो गाइस ये देखो, ये आ गया लड्डू। लड्डू देखो यो ये देखो भाई, ये देखो ये डिफरेंस होता है। अच्छा ये देख लो इसका साइज। हाँ कॉम्पैक्ट है, बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, कलर डिफरेंट है इसके। हाँ ये देखो ये फुल साइज हैवी फीमेल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत लार्ज साइज है इसके। हाँ। और इसके वेट में अराउंड 6-7 किलो का फर्क होगा। अच्छा और साइज में भी कुछ 1-2 इंच। हाँ 1-2 इंच कम है। हाँ तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये पुराने जो एक चलते हैं, ये बहुत हैवी स्टाइल की फीमेल है। अच्छा जो भी वाइट थी, आजकल कॉम्पैक्ट चलता है। अच्छा कॉम्पैक्ट चलता है, वो भी स्टैंडर्ड ही है, वो भी स्टैंडर्ड है। तो अच्छा लेकिन ये जो है, हाँ ये लड्डू, ये लड्डू है, ये लड्डू, ये मतलब ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मतलब एकदम इसमें कोई कमी नहीं दिखती मुझे फीमेल के अंदर। हाँ किसी भी तरह से ये शो में भी जा सकती है। अच्छा ये कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकती है कि बुलडॉग कैसा होता है, स्टैंडर्ड इस तरह का होता है। अच्छा तो मतलब जैसे आपने बताया कि ये मतलब उसमें जा सकते हैं, सोस में जा सकती है। हाँ ये स्टैंडर्ड है, जो एक्जॉटिक कलर्स हैं, अलग अलग तरह के शोज हैं, अलग अलग तरह की रजिस्ट्रीज हैं। जैसे कैनल क्लब ऑफ इंडिया है जो, अच्छा वो स्टैंडर्ड्स को ही रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा और उसके शोज में एक्जॉटिक या अदर देन दिस कलर जो है वो उसको नहीं अलाउ करते, या वो फॉल्ट मानते हैं। अच्छा फॉल्ट मानते हैं वो उसको, फॉल्ट या अनडिजायरेबल आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो स्टैंडर्ड है ये केसीआई शोज में यही कम्पीट करते हैं। अच्छा और जो दूसरी रजिस्ट्रीज हैं कुछ वो इनको अलाउ करती हैं आजकल एक्जॉटिक को। अच्छा मतलब कुछ दूसरी है जो मतलब एक्जॉटिक को अलाउड करती है? बिल्कुल करती हैं। अच्छा जिनमें बाहर की रजिस्ट्रीज हैं, बुली क्लब्स हैं या कुछ और अलग, केसीआई के अलावा भी बहुत सारे क्लब्स हैं हमारे इंडिया में आजकल आगे। हां जी, हां जी, जैसे यूनाइटेड कैनल क्लब है, एबीकेसी है, एबीआर है। हाँ। तो ये सब नहीं इनको बाहर करते। हाँ। वो इनको अलाउ करते हैं, इनको इनकी अपनी कैटेगरी में कम्पीट भी कराते हैं। बिल्कुल, तो ये जाते हैं बेसिकली, ये शौक है हमारा। हाँ। बुलडॉग चाहे किसी भी कलर का हो वो बुलडॉग ही होता है, बुलडॉग ही होता है। बाकी आजकल की सबकी जरूरतें हैं और जिस तरह की लोग डिमांड करते हैं, हाँ जी, या उनका लाइफस्टाइल है, हाँ जी, और ज्यादातर ब्रीड्स जो चेंज हुई है ब्रीडिंग से वो उसी वजह से हुई है। इसमें अच्छा। कोई ब्रीडर की वो नहीं होती कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। मेरे लिए तो दोनों ही, दोनों अच्छे, सही बात है। एक बाप को दो बेटे से मतलब दोनों एक ही जैसे हैं। मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे अच्छे अच्छे। मैं ये भी रखता हूँ, यही भी रखता हूँ। अच्छा तो भाई मेरा एक क्वेश्चन और, मैं जैसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि जैसे मतलब हर ब्रीड को ना एक अलग मकसद के लिए बनाया गया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंग्लिश बुलडॉग है, मतलब इनको किस कैटेगरी के लिए बनाया, किस वर्ग के लिए बनाया गया? तो ये देखो जब इनका स्टार्ट हुआ था, हाँ जी, जिससे बुलडॉग स्टार्ट हुआ था वो एक डॉग था जो
जिसमें से और बहुत सारे डॉग्स निकले। वो जो डॉग था वो पर्टिकुलरली बुल वेटिंग के लिए यूज होता था। अच्छा, बुल वेटिंग का मतलब होता है जब हम सांड से लड़ने के लिए डॉग्स को यूज किया जाता था रिंग में। अच्छा हाँ, तो बुलडॉग बहुत छोटा होता था, इसका हाँ, बाइट जो होता है ऐसा होता है, हाँ, वो उसके नथुने को पकड़ के हाँ, उसको नीचे पुल करता था। अच्छा अच्छा, बुल को नीचे करता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा बुलडॉग। अच्छा बुलडॉग, तो ये पिट में जब फाइट करते थे, उस रिंग में फाइट करते थे, तब हाँ, इनका शरीर ऐसा नहीं होता था। अच्छा, ये इससे ऊंचे होते थे, हाँ, इनका मुंह थोड़ा लंबा होता था जी, ब्रीदिंग अच्छी करते थे, हाँ, ये जो रिंकल्स हैं ये इसलिए हाँ, होते थे कि जो नथुने में से खून निकलेगा हाँ, वो यहाँ से वाइप आउट हो जाए। अच्छा, आँखों में ना जाए, आँखों में ना जाए, तो ये इसलिए बना था हाँ, लेकिन वो चीज बैन हो गई हाँ, वो उसमें आ गया अब्यूज क्रुएलिटी में। तो जब वो स्पोर्ट बंद हो गया तो बुलडॉग्स को रखने के लिए लोगों ने हाँ, इनके दूसरे तरह के ब्रीड करना शुरू किया, जिसके अंदर दो तरह के डॉग्स निकले, जिनके अंदर से एक लाइन ऐसी भी है जो अमेरिकन पिटबुल टेरियर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, और दूसरी जो लाइन निकली वो निकली कंपेनियन डॉग्स की, जो इंग्लिश बुलडॉग है जिसमें से, ठीक है। तो ये इंग्लिश बुलडॉग आज की डेट में एक कंपेनियन है जी, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नीड्स नहीं है। अच्छा, जिसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो सभी ब्रीड्स में कुछ ना कुछ होता है। तो बिल्कुल, ये है, लेकिन ये बहुत प्यारा कंपेनियन है, आपके घर में रहेगा, बहुत हंसी मजाक, हंसी मजाक, बहुत आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखो इनको कैसी, ये देखो कितनी मतलब मस्ती से खेल रहे हैं। लड्डू आ, ये देखो देखो लड्डू को, ओए लड्डू, ये देख लड्डू। तो ये लड्डू की एज कितनी हो गई होगी? ये 3.5 साल की होगी। 3.5 साल। तो गाइस आपको, अच्छा तो गाइस अभी इनके पप्पीज दिखाने वाला हूँ। मतलब मैं तो भाई इतना ज़्यादा, मतलब पूछो मत, कितने ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि इनको पप्पीज को देखने के लिए। तो शायद मेरे ख्याल से आपको भी हो रही है ना, तो सबर रखो, तो आपको भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा सबर रखो। तो गाइस ये देखो यहाँ पे आ गए लड्डू के बच्चे। ओ ही, यहाँ पे कितने सर, तो भाई ये कितने पप्पीज हैं टोटल आपके पास? भाई ये अलग अलग लिटर में से हैं। अच्छा, ये रेड वाले सारे लड्डू के हैं। अच्छा, रेड वाले जितने भी लड्डू के कलर के लड्डू जैसे हैं लड्डू के हाँ, चार बच्चे लड्डू के हैं। अच्छा, चार बच्चे तो गाइस जितने भी मतलब एक्सोटिक हैं ये दूसरे। अच्छा, तो गाइस जितने भी मतलब लड्डू के कलर के दिख रहे हो ना, तो सारे मतलब लड्डू के, जैसे ये लड्डू का है, ये देखो। तो भाई आपने जो नाम रखे हैं ये मतलब यूनिक यूनिक से जो ये कहाँ से सोच के रखे, ये बताओ। लड्डू मिनी, ये ना एक्चुअली लड्डू का क्या है, लड्डू मेरे पास ऐसे आई थी कि मेरा कोई इरादा नहीं था, बस ये हमारे पास किसी और के थ्रू आई थी। अच्छा, तो मतलब वो उनके कुछ फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जी, तो उन वो इसको रख नहीं पा रहे थे, ये पेट थी उनके घर। अच्छा, तो उन्होंने इसका नाम रखा हुआ था लड्डू। अच्छा, तो हमें जब पता लगा, हमें ओनर का पता नहीं था, लेकिन बाद में मेरे को बताया उन्होंने कि भाई इसका हाँ, नाम लड्डू है। हाँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप दे गए उसका नाम क्या है, तो ये लड्डू इसका नाम उन्होंने ही रखा हुआ है, मैंने नहीं रखा, लेकिन वो इसके नाम के मतलब इसके ऊपर बिल्कुल सेट नाम सेट है, बिल्कुल गोलू मोलू जैसा लड्डू जैसा। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, वो देखो, वो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी 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 खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, गंदे बच्चे, ये शैतान है, मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है। देख रहे हो गाइस, देखो देखो कितने सारे बच्चे, देखो कितने सारे बच्चे आ गए यहाँ पे मेरे ऊपर। आई कहीं कहीं कहीं, इसको देखो, इसको देखो, ओए ओए ओए। तो भाई ये कितने दिन के हो गएंगे पप्पी से? ये भैया जो लड्डू के बच्चे हैं 2.5 महीने के अराउंड हो गए। अच्छा, 2.5 महीने के अराउंड हो गए, 2.5 महीने के अराउंड है। ये दूसरे मतलब वही सेम एज ही है, एक आधा हफ्ता, एक हाँ, अच्छा अच्छा, ये आ गया शैतान, ओए शैतान इधर आ, ये इनका गार्ड है। अच्छा, ये इनका गार्ड है, गार्ड तो डर रहा है, गार्ड तो लड़ रहा है आपका, मिट्टी मतलब इन्हें मिट्टी ज्यादा पसंद है। अच्छा, कैल्शियम वगैरह सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन पप्पी होता है उसे खेलने के लिए हाँ, जो मिलता है वो सब मुंह से ही खेलता है, डॉग मुंह से खेलता है, सही बात है, तो हाथ से करता हाँ, हाँ, तो ये उसको खाते नहीं है, लेकिन हाँ, मुंह में लेते हैं, बट हम ध्यान रखना पड़ता है बहुत के
कुछ ना खाए ऐसा। अच्छा, तो इनको मतलब वॉक क्या देते हो? वॉक भैया इसको ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे नॉर्मल घुमाते हैं अपने कैनल के आसपास। अच्छा। बाकी इनके नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए, वो भी सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि थोड़ा मेंटल स्टिम्युलेशन रहता है। हाँ, बाहर जाते हैं डॉग, उन्हें अच्छा लगता है, गाड़ी में घूमने जाते हैं हमारे साथ। अच्छा। तो हम इन्हें कभी अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। हाँ। तो ऐसा रहता है। बाकी इतनी जो जगह है ये, हाँ, ये इनके लिए मोर देन बहुत है, बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेमिना वाले डॉग्स नहीं होते। हाँ। तो इनको मॉडरेट चाहिए एक्सरसाइज। अच्छा। नॉर्मल, बाकी जब ये खेलेंगे तो खेलते पूरा है, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा हीट ना हो, बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि गर्मी में। हाँ। ना ही चले। यहाँ पे देखो लड्डू के बच्चे हैं, लड्डू के बच्चे का एक बार मैं ना इन्हें गोद में उठाता हूँ, दिख रहे हो तो वही ले लो। ओ लड्डू, लड्डू के बच्चे, ये हो गए, देखो इनको बताओ। ओ भाई मेरा एक हाथ से गया इसमें, तो इन्हें उठा ही नहीं पा रहा। तो एटलीस्ट इनका वजन कितना होगा? ये भाई सारे 9-10 किलो के अराउंड के बच्चे हैं। तो गाइस ये 9-10, 2 से 2.5 मंथ के बच्चे हैं और 9-10 किलो का वजन है, बता सोच रहे हो। और वैसे एक चीज मैं पूछना तो नहीं चाहिए कि इंग्लिश बुलडॉग में मतलब वजन कितना होना चाहिए और इसका वेट कितना जाना चाहिए? एडल्ट वेट जो होता है मेल, हाँ, फीमेल का भी मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 24-25 केजीज। हाँ जी। जो एक मेल का वेट रहता है, हाँ, आजकल जो कॉम्पैक्ट साइज है उसका है। हाँ जी। बाकी अपर लिमिट तो अभी लड्डू है, लड्डू का 27-28 केजीज चलता है। अच्छा। जो मिनी आपने देखी, हाँ, उसका 20-22 केजीज एवरेज चलता है। हाँ जी। तो ऊपर नीचे रहता है लेकिन 22-20 के प्लस ही रहता है इनका जो भी है वेट। अच्छा। बहुत बल्की होते हैं उस हिसाब से, अभी जो इनका वेट है ऑलमोस्ट 40% है अकॉर्डिंग टू देयर एडल्ट वेट। अच्छा। और 50% आप कह रहे हो, क्योंकि ये सब 8-10 किलो के हैं। हाँ। एडल्ट वेट 24-25 किलो का जाएगा, ये सब बड़े साइज के बनेंगे। हाँ। अभी जैसे ये देखो पप्पी है। हाँ, वैसे दिख रहे हैं। आपको ऐसे अंदाजा लग जाएगा, 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट है। हाँ। और ये देखो मेरे हाथ पे कितना बड़ा पप्पी है, ये देखो। देख लो गाइस, देख रहे हो, प्रॉपर एज के पप्पीज हैं। हमारे पास अंडर एज पप्पी किसी को भी नहीं मिलता। अच्छा। ये पप्पीज अभी रेडी हैं कि जिस एज पे घर में जाना चाहिए नए घर। हाँ। में फुली वैक्सीन हो रखी है, डीवॉर्मिंग हो रखी है, अच्छी तरह खेलते हैं, पॉटी सुसु बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा। इनको बिल्कुल हर तरह से ये ठीक सही है, ठीक है। ये है, ये पप्पी है जो सबसे बड़ा पप्पी है इस लिटर का लड्डू का। अच्छा। इसका साइज उससे भी देखो। ओ भाई देखो गाइस, देख रहे हो कितना मतलब ये मेरा मुंह के साथ देखो, देखो कंपेयर करके ये देखो। हाँ। तो ये 2.5 महीने का बच्चा है, 2.5 महीने का बच्चा है। और देखो मतलब कितनी काफी अच्छी खासी वो कर रखी है, ये देखो ग्रोथ है, ये कोट है, सब कुछ एकदम देखो अच्छा। हम केयर जब किसी डॉग की पपी करते हैं तो आपको वो चीज उसमें दिख जाएगी से, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि भी लेटर हुआ है तो इसको भैया के बस के हो गया आप जल्दी। हाँ। मैं जो भी करता हूँ, मेरे को अगर नहीं भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन मेरे को स्पेशली ये रहता है कि सही एज पे बिल्कुल और हाँ, अच्छे घर में जाए, अच्छे घर में जाए, बिल्कुल सही रहता है। तो ऊपर नीचे हाँ, हो जाता है, उसकी इतनी बात नहीं। गाइस देखो इसका नाम क्रेजी है, देखो कितने ज्यादा क्रेजी नाम के हिसाब से आपने सही, जितने भी पपीस रखे ना, जितने भी बच्चों के नाम रखे हैं सारे मतलब इनके ऊपर सूट करते हैं भाई। हम अपने बच्चों की तरह बहुत प्यार से रखते हैं, तो हर चीज को सोच समझ के बहुत उससे रखते हैं। इसको देखो, देखो 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 गाइस, देख रहे हो, देखो कितनी ज्यादा क्रेजी हो रही है। ओए क्रेजी क्रेजी, ये देखो देखो गाइस, ये तो उनके पास जा ही नहीं रही, मेरे को पहचान रही है क्रेजी। ओ देखो ये तो गाइस, देखो मेरे कैमरे ओ कैसे लग जाएगी बेटा, लग जाएगी। इसकी क्रेजी के बारे में थोड़ा सा भाई बताना। क्रेजी भैया ये भी एक्सोटिक है। अच्छा। ब्लैक ट्राई कलर की फीमेल है। हाँ। भाई मेरे को गिरा दिया। अरे देख रहा गाइस, मेरे को पूरा गिरा दिया इसने। ये देखो, तो भाई इसके बारे में बताऊं, क्रेजी के बारे में इसको क्या बताऊं, ये बस क्रेजी है, ये क्रेजी है, फुर्ती है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव डॉग है हमारे यहाँ पे कैनल की, कैनल पे बहुत लविंग है। हाँ। तो वैसे हम नहीं करती भाई से सामना नहीं जा रहा। अब इसका वेट है जैसे आप बोल रहे थे ओ भाई, ये देखो मेरे को गाइस,
ये नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, खेलना है तुझे। तो भाई अब बताओ इस, मतलब इसका वेट आप क्या बता रहे थे? इनका ये वेट है अभी इसका, इसका यही है मतलब 24-23 है जी। अच्छा। इसके अराउंड ये अलग अलग पर्सनालिटीज होती है। हाँ बिल्कुल। अब ये जदोदी नहीं, अब ये देखो ये मार्शल है। हाँ, ये मार्शल है, ये स्टेबल है। ये देखो, देखो मतलब गाइस एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हर इंसान की ना मतलब एक अलग एबिलिटी होती है, ये हर डॉग की मतलब एक अलग एबिलिटी होती है। इसको देखो, ये देखो कितनी मतलब एक्टिव है, और उसको मार्शल को देखो कितना मतलब, ये देखो मार्शल, ये देखो भाई, ये देखो ये देखो। तो भाई एक चीज पूछना चाहता हूँ, मतलब जो इतने एक्टिव पप्पीज, इतने एक्टिव बच्चे हैं आपके पास, तो इन्हें डाइट क्या दे रहे हो इतने एक्टिव करने के लिए? बेसिकली क्या है, देखो इनका डेली चिकन चलता ही चलता है। हाँ जी, चिकन राइस और एग। हाँ ये इनका डेली चलता है, डॉग फूड भी डेली रहता है। हाँ जी, जो हम देते हैं क्वांटिटी में। हाँ, अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम डॉग फूड देते हैं। हाँ जी, उसके अलावा कभी हम इनको जैसे मौसम के हिसाब से छाछ दे दी, दही दे दी, दिन में ठंडा रहे सुबह दही दे दी, और कई बारी फ्रेंच बीन्स हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स हैं वो दे देते हैं। तो ये रहता है, बाकी कुछ नया देना है वेजिटेबल्स में कुछ बदलता रहता है। अच्छा। कभी देते हैं कभी नहीं देते, नहीं देते बिल्कुल। इनको कोकोनट ऑयल देते हैं हम। अच्छा। खाने के साथ, जो इनके कोट के लिए और बहुत अच्छा है सभी डॉग्स। अच्छा। के लिए कोई अच्छा। भी डॉग हो, अगर आप डेली देते हो तो आपके डॉग को स्किन इन्फेक्शन बहुत ही मिनिमम हो जाएगी, मुश्किल से डेली 2-3 रुपए का खर्चा है वो। हाँ, 2-3 रुपए का बिल्कुल। अगर आपके डॉग ये जितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली 90%। अगर आप ये ऑयल कोकोनट ऑयल। अच्छा, तो इस मार्शल के बारे में थोड़ा सा बता दो। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश बुलडॉग है, अराउंड अभी 13-14 मंथ्स का हो गया। अच्छा। और ये रेडी है, स्टड है ये हमारा स्टैंडर्ड का। तो गाइस ये देखो स्टड को, ये देखो मार्शल कम, अब ये पूरा मस्त रहता है शेर की तरह। तो ये गाइस स्टड के लिए मतलब रेडी हो चुका है, और ये देखो वही बैठो, मतलब इतना बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाता ऐसे। हाँ, मतलब ऐसा एक्टिविटी, हाँ जब इसको जरूरत होती है, जरूरत होगी तब। मतलब अपनी देखो खड़ा है, नेचुरल खड़ा होता है, मतलब अपनी एनर्जी सेव करके रखता है, जब जरूरत होगी तब दिखाएगा, जब उसका मन करेगा तो ऐसे राजा है ये बस। अच्छा, यही है यहाँ का। तो भाई जैसा कि आपने ये मतलब कैंडी, इसका नाम कैंडी है ना, कैंडी का ओ भाई कैंडी। तो भाई मतलब ये कौन से कलर में आता है? ये ब्रिंडल है, कलर है। हाँ जी, बढ़िया है, फीमेल एक्जोटिक है। अच्छा, ये एक्जोटिक में है। इसका साइज वगैरह देखो सब वैसा है। हाँ, छोटा है। अच्छा, तो गाइस देखो कॉम्पैक्ट है। हाँ कॉम्पैक्ट है, तो गाइस देख रहे हो इसको, कैंडी कैंडी ले, बहुत फ्रेंडली है सारे सारे गाइस जितने भी मतलब। तो गाइस आपने देखा मतलब कितने सुंदर पपीज है, सारे मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंडली है, एक दूसरे को किसी को बाइट नहीं कर कि ऐसे है भाई, कोई एक दूसरे को बाइट कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे छोटी सी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई। बाकी भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई भी आपको इंक्वायरी लेनी हो तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।